नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजन मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेन सिंह, जिस पर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं कि अपने जियो फ़ोन के अंदर वाल पेपर पे नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग है अपनी फोटो को ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि आप कैसे अपनी फोटो को ऊपर नाम लिख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोटो के ऊपर नाम लिख पाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे इस चीज़ के लिए कि अपने फ़ोटो के ऊपर वो नाम लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा ऐप्स नहीं मिला ऑनलाइन कि जिससे कि वो अपने फ़ोटो के ऊपर नाम लिख पाएँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और खास करके जियो फ़ोन के अंदर में तो काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर चलिए मैं गूगल ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फ़ोटो के ऊपर कैसे नाम लिख पाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर उसको डाउनलोड भी करवाओगे, शेयर भी करवाओगे, सब कुछ करवाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट टाइप के आप हमें फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, आपको बॉर्डर फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, और वहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। सबसे मेन बात है कि आप एडिट फ़ोटो पे नाम लिखने के बाद आप वहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे, सबसे मेन बात तो ये है। तो वह चलिए बता दूँ कि कैसे आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है, जाना है lunapic.com पे, उसी वेबसाइट पर जिससे पहले वीडियोज मैंने बनाई थी, आपको पता होगा, हमने देखा होगा, ठीक है, वही वेबसाइट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसीलिए मैं फिर से वीडियो इससे बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से लिख भी पाए अपने फ़ोटो के ऊपर अपना नाम, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई वॉलपेपर ले लेना है, ठीक है। एक वॉलपेपर में ले लेता हूँ फोटो, फिलहाल फ़ोनों मेरे फ़ोन में तो कोई उस तरह वॉलपेपर नहीं है, तो चलिए यही एक ले लेता हूँ जो कि मैं बैकग्राउंड लगाता हूँ, ठीक है। तो इसी पे जाना है, फिर से आपको ब्राउज़र पे ही क्लिक करना है, अगर एक बार नहीं आता तो दोबारा में चलाएगा। देख लीजिए मेरा यहाँ पे जो है लेयर बीच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, स्केल का मिल जाता है, रोटेट का मिल। अब आराम से यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो ऐड कैप्शन मतलब अपना नाम लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और जैसे आप हमें नाम लिखने के लिए यहाँ पे क्रॉप, स्केल, रोटेट, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डाउनलोडिंग अच्छी खासी हो जाती है अपनी फ़ोटो को एडिट करने के बाद, जो अपने नाम लिखने के बाद जो है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको कर देना है स्केल, स्केल जो भी आपको करना है। अब आपको जिन नीचे जाना, और नीचे जाने के बाद ये जो ऑप्शन आपको मिला ऐड कैप्शन का ऑप्शन मिल रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है, इसी पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होता है। मैं ऐसे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग दिखाना है। तो इस तरह आप गाइस अपने फ़ोटो के ऊपर यहाँ पे कोई भी नाम लिखें, जैसे जो जो एक्स वाई जो भी आपको पसंद हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं है जो हम लिख रहे हैं वही आप लिखें, ठीक है। आपका जो भी नाम है और आपको जो कलर पसंद है, जो आपका फॉन्ट पसंद है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दिखाया है सिर्फ और सिर्फ आप वही लें, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिल जाता है, कलर्स मिल जाता है, बॉर्डर मिल जाता है, पोजिशन मिल जाता है, फॉन्ट मिल जाता है, साइज मिल जाती है, तो और क्या चाहिए, बस यही सारे चीज़ होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और वही चीज़ इसके अंदर भी है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छे फॉन्ट के यहाँ पे अच्छे कलर्स में लिख सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप अच्छे खासे कलर्स, नेम, साइज, पोजीशन, हर चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे पोजीशन है तो यहाँ पे बॉर्डर पे सेंटर पे लेना है या साइड में लेना है, राइट लेफ्ट जो भी लेना है वो चीज़ यहाँ पे आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट यहाँ पे कोई उसके, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको नाम लिखना है तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो आपने इस पर नाम भी लिख देना अच्छे खासे यहाँ पे। तो बस ये सारी बातें थी, अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने देख भी लिया होगा। अब यहाँ से अगर कलर्स चेंज करना है, नाम का, साइज़ का, लेफ्ट राइट, अगर जो भी आपको ले जाना है जिधर भी ले जाना वो आसानी से आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस ये सारी बातें थी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा होगा, और अब दोबारा भी नहीं पूछेंगे कि आखिर जियो फ़ोन के अंदर नाम कैसे लेंगे अपने फ़ोटो के ऊपर। सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया खुल्लम खुल्ला। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोज़ भी काफ़ी पसंद आई होगी, और आप आज के बाद अब ये नहीं कहेंगे कि भाई आखिर जियो फ़ोन में फ़ोटो के ऊपर नाम कैसे लिखें। बस ये सारी बात, तो ये रहा पूरा का पूरा प्रोसेस, अब आपको यहाँ पे आसानी से आप लिख पाएंगे अपने फ़ोटो के ऊपर नाम। बस ये सारी बातें थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।